दोस्तों, वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैंथर्स वर्सेस लायंस के बीच जो होगा सेकेंड मैच पंडिचेरी T20 का। मैंने ऑलरेडी पहला वीडियो में बताया, चलो एक बार मैं बता देना चाहूँगा कि ये सेकेंड मैच है और लास्ट ईयर भी ये पंडिचेरी T20 हुआ था। और कौन था विनर वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताना भूल गया था। लास्ट ईयर पैंथर्स दोस्तों विन किया था, ठीक है, पैंथर्स विनिंग टीम है। बट टीम्स में इतने चेंजेस है कि आप ना एग्जैक्टली उसके साथ आप मैचअप नहीं कर सकते हो कि वही टीम है, ये है, वो है, ऐसा नहीं है। टीम में चेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे कि रिसेंटली एक T10 टूर्नामेंट हुआ है पंडिचेरी, हमने वो कवर किया। मैंने एज गुरु वहाँ पे कंटिन्यू पूरा मैच सीरीज टीम दिया, खुद मैंने कुछ शुरू के मैचेस के वीडियोस बनाया। आप अगर सपोर्ट करते तो मैं और भी वीडियो बनाता। अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करूंगा, प्लस ओमेंस भी कवर करूंगा। बट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस, अगर आप सपोर्ट करते हो। एक और बात, सिर्फ डेमो टीम के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए वीडियो या फिर टीम कॉपी मत करो, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म क्या, लॉन्ग टर्म में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो। आपको 3-4 महीना जुड़े रहो तो आपको फ़ायदा चले पता चलेगा कि क्या फ़ायदा है। अगर आप एक मैच के लिए आते हो और मैं अपना इन्वेस्टमेंट इस मैच में क्या करूंगा वो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद उसको फॉलो करना है आपको। अगर आप नहीं सुनते हो और मैं लास्ट में जो डेमो टीम दूंगा उससे आप दबा के इन्वेस्ट करते हो, समहाउ अगर मैं बोलता हूँ कि मत करो इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। अगर मैं बोलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में कि कुछ नहीं बोलता हूँ, उसका मतलब है कि मैं खुद खेलूँगा उस मैच में, प्लेस खेलूँ क्या खेलूँ या खेलूँगा, या फिर मैंने बोला मीडियम, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, आप क्या करोगे, ये मैच हार के चले जाओगे, वो जो प्रॉफिटेबल मैच है वो मिस हो जाएगा आपसे। तो सुना करो पूरा वीडियो, मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूँगा वो पहले समझो और उसके बाद आपको सही लगे तो इन्वेस्ट करो, अदरवाइज नेक्स्ट मैच के लिए वेट करो। क्योंकि दिन में 3-4 मैच का टीम मैं देता हूँ, कम से कम 4 मैच का तो टीम मैं ही दूंगा, होता है 7-8 मैच। आपको अगर 2 मैच भी प्रॉफिटेबल निकला तो भी दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट का आराम से 200-300% रिटर्न आ जाता है, जो मेरे हिसाब से बहुत है। अगर मेरा दिन में 25% प्रॉफिट हुआ और मैं पर डे दोस्तों 20,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा जाके 5,000 का प्रॉफिट निकलता है दिन में। वो एक्यूमुलेटेड होके दोस्तों, वो कंपाउंडिंग होके वो एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो वही लॉजिक आपके साथ भी शेयर किया, बाकी आपकी मर्जी। फाइनल कवरेज के लिए टेलीग्राम जुड़ सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 140 एवरेज स्कोर है, 140-150। पहला मैच मुझे लगता है कि पिच में थोड़ा मॉइस्चर रहेगा तो थोड़ा बैटिंग टफ होगा, स्पेशली इनिशियली, उसके रीज़न से रन कम बन जाएंगे। बट ये सेकेंड मैच है तो थोड़ा रन ज़्यादा बन सकता है अगर ठीक ठाक क्रिकेट खेला। बट यस, बैटर्स मुझे इस मैच में ना उतना खास लग नहीं रहा है, लेट्स सी क्या होता है। पैंथर्स से स्टार्ट करते हैं। कवरेज लास्ट ईयर रन ज़्यादा नहीं बन रहा था इस वेन्यू में। भानु अनंत, रोहित, अमित जिशान, आयुष शर्मा, कृष्णा पांडे, आदित्य चौहान होगा बैटिंग ऑर्डर इसके आसपास। ये टीम से मुझे ऐसा लग रहा है कि भानु अनंत ओपन करेंगे अगर खेलता है, नहीं खेलता है तो बाद अलग, कृष्णा पांडे से ओपन करा सकता है। जिसने पंडिचेरी T10 में अच्छा खेला, 26 का एवरेज से 237 रन 11 मैच, ये झारखंड में भी क्रिकेट खेला है जितना मुझे याद आ रहा है। T10 में 0-1-0-9-53, 1-53 का नॉक, बाकी 4 फ्लॉप, ये ही होगा T10 में, ठीक है। बहुत हिट और मिस टूर्नामेंट है, गिवेट इन माइंड। रोहित डी, मतलब रोहित दामोदरन, ये ज़रूरी प्लेयर है, स्टेट खेल चुके हैं, बाय डिफॉल्ट पिक होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। रोहित डी पंडिचेरी T10 2022 में खेला था, 2 मैच में 20 रन, उतना खास वैल्यू नहीं दी। गाइस, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे फैन कोर्ट में जो शो हो रहा है ना वो अलग रोहित शो हो रहा है, बट स्टिल मैम, मुझे जितना याद है दोस्तों इनके साथ, कि रोहित डी बोल के ही प्लेयर था, रोहित दामोदरन जिनका फुल नेम था, प्रोबेबली तमिलनाडु में पहले खेलते थे फिर पंडिचेरी में शिफ्टेड हुआ। अगर खेलता है मैं सेफ प्लेयर ऐसे ले लूँगा शायद, बट कैप्टेंसी नहीं बनाऊंगा। एन अमित जिशान, अगर देखते हो ये अच्छा प्लेयर है, बैट फर्स्ट बहुत तगड़ा है, टी टेन ज़्यादा अच्छा नहीं किया, बट ये सीनियर लेवल में क्रिकेट खेले दोस्तों, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है। पंडिचेरी T10 2024 में 22 का एवरेज था, बट ये प्लेयर अच्छा है, बैक कर सकते हो, 50-50 कॉल है, मस्ट पिक नहीं है, ठीक है, 50-50 कॉल। आयुष शर्मा, ये है हमारे लिए दोस्तों डिफरेंशियल बन सकते हैं, 5 मैच 22 का एवरेज 88 रन, यहाँ पे बॉलिंग शायद यहाँ से मिस हो गया, ये ना बैट बॉल दोनों कर रहा था, ओपन आ रहा था दोस्तों, बॉलिंग मिस हो गया, माफ़ी चाह नहीं ये सॉरी क्या है मैं बता रहा हूँ, देखो ये है T10 का, ठीक है, मतलब रिसेंटली पंडिचेरी T10 खेला है, 20 रन 26 रन 0 विकेट 47 रन 17 2 विकेट 7 4 विकेट, इसको हम लोग बना रहे थे कैप्टन, मैं एज गुरु कैप्टन दे रहा था,
और यहाँ पे जो स्टैट मैं दे के रखा ये कौन सा है, देखो ध्यान से देखो, पंडिचेरी T20, मतलब T20 2023 लास्ट ईयर इसी टूर्नामेंट का जो लास्ट एडिशन हुआ था उसमें 22 का एवरेज से 5 मैच में 88 मस्ट विक प्लेयर कैप्टनसी बना सकते हो। ये बॉल डाल रहा था ठीक है, ये बॉलिंग बहुत किया था पंडिचेरी T10 में, विकेट निकाला देखो 4-2 अच्छा डाल रहा है। कृष्णा पांडे ये स्टेट खेल चुके हैं, स्टेट में कुछ मैचेस में बॉलिंग डाला, लेट्स सी क्या करते हैं। इधर लास्ट ईयर 10 मैच 33 ओवर 15 विकेट 151 मस्ट विक प्लेयर है कृष्णा पांडे। आदित्य चौहान 5 मैच 9 ओवर 5 विकेट, रिसेंटली T10 खेल के आ रहा है, ठीक ठाक फॉर्म में था आदित्य। करण कन्नन मस्ट विक प्लेयर, ऑफ स्पिन बॉलिंग डालेगा। देखो T10 में क्या हो रहा था कि ऑफ स्पिनर का ना रोल थोड़ा लेस हो गया था, बट इधर रोल बढ़ेगा। T20 लास्ट ईयर 11 में 16 ओवर 3 विकेट, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर कर सकता है, ये बैट बॉल दोनों से वैल्यू देने वाला प्लेयर है। सिद्धक सिंह मस्ट विक प्लेयर है, स्टेट खेल चुके हैं, बट सिद्धक सिंह का क्या है पता है, देखो 2 विकेट है 1 विकेट है 1 विकेट है और कभी कभार ना बॉल नहीं डालता ये बंदा, कभी कभार बैटिंग के लिए प्रमोट हो जाता है, कभी कभार बैटिंग ही नहीं आता है। तो ये एक ऐसा ही प्लेयर है, एब्सेंट माइंडेड प्लेयर है, मतलब कुछ भी करेगा कभी कभार, मतलब भयंकर खेल देगा कभी कभार, एकदम मतलब लगेगा कि ये खेलता ही नहीं है कभी भी। विशाल खोकर 7 मैच 19 ओवर में 9 विकेट, बॉल फर्स्ट ट्राई करेंगे, और रिसेंटली T10 में ठीक ठाक फॉर्म था। उमर पत्नी रिसेंट T10 फॉर्म बहुत अच्छा था, 14 मैच में 16 विकेट निकाला। तेजवीर सिंह 14 मैच में 15 विकेट निकाला, ये भी अच्छे फॉर्म में थे रिसेंटली T10 जो हुआ पंडिचेरी में। ये बेंच में प्लेयर बैठे हुए, नितिन प्रणव पंडिचेरी T20 2023 9 मैच 108 रन 8 ओवर 3 विकेट, लिस्ट ए खेला है, डिफेंशियल ले सकते हो इफ़ यू वांट, लास्ट ईयर खेला था ठीक है T20 2023 में खेला था। साई हरिराम 10 मैच 10 ओवर 4 विकेट 73 रन, यहाँ पे ध्रुव रेड्डी हो गया, फिर जयाबलन हो गए, सुदर्शन पंडिचेरी T10 2024 रिसेंटली खेला, 9 मैच 15 ओवर 7 विकेट है। थिवागर जी ये कम्प्लीटली हिट और मिस प्लेयर, स्टेट का प्लेयर है, बट देखना कभी कभार बॉल डालेगा कभी कभार नहीं। रिसेंटली T10 में 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ले सकते हो, सेफ है समाउ, लोअर ऑर्डर हिटिंग भी कर लेता है। लास्ट एडिशन में 10 मैच में 29 ओवर में 11 विकेट निकाला, अगर खेलता है तो ट्राई करना। मोहन दसार हिटर है, एल निशांक 9 मैच में 49, अभिषेक प्रधान 11 मैच 19 ओवर में 6 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 0 0, फरहान अहमद 7 मैच 10 ओवर में 3 विकेट पंडिचेरी में रिसेंटली T10 खेल के आ रहा है। गौरव यादव स्टेट खेल चुका है, 14 मैच 44 ओवर में 10 विकेट खेलता है, तो 50-50 कॉल, स्टेट खेला है खेलता है तो ज़रूरी प्लेयर है, नॉट 50-50, बॉल फर्स्ट बहुत तगड़ा ऑप्शन है, इवन बॉल सेकंड भी ले सकते हो खेलता है तो गौरव को। जूलियन जैकब लेग ब्रेक 7 मैच 16 ओवर में 2 विकेट पंडिचेरी T20 2024। योगराजन वेलायुथम 11 मैच 19 ओवर में 14 विकेट, ये भी अच्छा ऑप्शन है, 2024 में खेला है। आते हैं लाइंस की तरफ, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करो, और फटाफट से दोस्तों ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा। लाइंस से मोहित काले ओपन करेगा, बी प्रभु फिर पी लोकेश राजा वेलु विष्णु के ऋषि रावत। दोस्तों कुछ ऐसा होगा दोस्तों बैटिंग ऑर्डर ठीक है इस टीम का, देखो यहाँ पे भी ना बैटिंग ऑर्डर्स में चेंजेस हो सकते हैं, एक हाई पॉसिबिलिटी से चेंजेस होने का, क्योंकि मोहित काले का आइडियल पोजीशन ओपनर नहीं है, ये वन डाउन खेलता है आइडियली। फर्स्ट क्लास में 20 मैच में 745 रन 29 का एवरेज है। पंडिचेरी T10 में 6 मैच में 158 रन 6 ओवर में 2 विकेट, थोड़ा बहुत बॉलिंग डाल देता है, बैटिंग से वैल्यू दे सकता है, स्टेट का प्लेयर है, मस्ट विक प्लेयर। बी प्रभु उतना खास नहीं है, 13 मैच 13 का एवरेज 139, T10 खास गया भी नहीं। पी लोकेश इसका भी T10 उतना अच्छा गया नहीं। राजा वेलु स्टेट खेला है, खास किया नहीं है, 3 मैच 12 लास्ट ईयर 8 मैच में 29 का एवरेज 174 ठोका था इसने, T10 में ठीक ठाक फॉर्म में थे, ट्राई करो, स्टेट का प्लेयर है, एक एंड पकड़ के खेलेगा। विष्णु के हिट और मिस, 13 का एवरेज फिलहाल नहीं लूंगा। ऋषि रावत मस्ट विक प्लेयर है, पंडिचेरी T20 लास्ट एडिशन में 7 मैच 15 ओवर में 4 विकेट। विनय प्रताप इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बॉलिंग से, 14 मैच 24 ओवर 12 विकेट, T10 में अच्छा फॉर्म में था, लोअर ऑर्डर में बैटिंग दे सकता है, मस्ट विक प्लेयर है एनी कंडीशन। सुब्रमण्यम के अच्छा डिफेंशियल बनेंगे, 14 T10 मैच में 18 विकेट निकाला, अच्छा फॉर्म में था ये भी, देखो 2 विकेट 0 3 1 2 अच्छा फॉर्म में था T10 में। अरुण प्रकाश ये स्टेट खेल चुका है, खेलता है तो मस्ट पिक बॉलर होगा, जहर पिक बॉलर होगा, लास्ट ईयर 4 मैच में 4। वैभव T10 में अच्छा फॉर्म से था, 8 मैच में 18 विकेट, मस्ट पिक। विजय राजा एक और विकेट टेकर, इनका बॉलिंग अच्छा है ठीक है, विजय राजा वैभव तो अरुल प्रकाशम एस कन्नन पीने पे तब तगड़ा बॉलिंग है, लेट्स सी क्या करते हैं दोस्तों। ये कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए, एक बार रिव्यू कर लेना। T10 खेल के आ रहा है मोहन कृष्णन 8 मैच 10 ओवर 14, सृजन खरे 10 मैच कुछ नहीं, आदित्य दुबे 10 मैच 121 T10 में,
दिव्यांशु यादव खेलता है तो ले सकते हैं, 7 मैच 88 रन, 8 ओवर, 1 विकेट है। जे मणिकंदन 11 मैच में 71, कार्तिक एसन 9 मैच 71 रन, 8 ओवर, 1 विकेट। और भी प्लेयर है, अरविंद आकाश, ये अच्छा ऑप्शन है, खेलता है तो हिट और मिस प्लेयर है, बट अगर चल गया तो बड़ा रन बना सकता है, ठीक है। अमन आहूजा T10 में रिसेंटली अच्छा खेला है, 10 मैच में 19 ओवर, 5 विकेट, एक्चुअली विकेट नहीं मिला बट ओवर डाल रहा था, तो यहाँ पे डिफरेंशियल सफेद हो सकते हैं। कलाईमुदन पी 13 मैच 21 ओवर, 5 विकेट, T10 में अच्छा फॉर्म में था ये बंदा, ये ना बैटिंग भी करना चाहता है कलाईमुदन, डिफरेंशियल है। मथन अच्छा ऑप्शन है, डिफरेंशियल 5 मैच में T10 में 8 विकेट, 50-50 बॉल फर्स्ट बहुत तगड़ा है, देखो 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि ये डेथ में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, कई मैचेस में डेथ में बहुत अच्छा विकेट निकाला है मथन, खेलता है तो यूज़ कर सकते हो, डेथ में आएगा। राजशेखर एम 5 मैच 12 ओवर में 2 विकेट, ठीक है, 2024 में खेला है T20। चलते हैं हम लोग ड्रीम 11 टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करना और फटाफट ज्वाइन हो जाओ दोस्तों, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। दोस्तों फिलहाल जो मेरा ड्रीम 11 का टीम रहेगा, मैंने आयुष शर्मा को लिया जो एक ऑलराउंडर है, करण कन्नन हमारे पास, सिद्धार्थ गुरविंदन वाइस कैप्टन, तीनों बंदा बॉल बैट से वैल्यू देगा, मोहित काले थोड़ा बहुत बॉलिंग एंड बैटिंग कर लेता है, भानु आनंद कैप्टन, विनय प्रताप सिंह बैट बॉल दोनों कराएगा, सुब्रमण्यन के, वी सिंह, ऋषि रावत, विजय राजा और अरविंद राज। देखो डेफिनेटली इतने बॉलर में से अगर कोई नहीं खेला तो मैं उसको हटा के इस टीम से किसी प्लेयर को लूँगा, बॉलर या फिर बैटर। अमीर जीशान यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, प्रेमराज रजावेलू को ऐड कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जो टीम स्लाइटली बॉल फर्स्ट कर रहा है उनके फेवर में रखना। मैं ऐसा और एक चीज़ मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, ये टीम का बॉलिंग यूनिट अच्छा है तो कीप इट इन माइंड। फिलहाल ये रहेगा कवरेज इस मैच के साथ, अगले मैचेस के कवरेज अपडेट और डेमो टीम के साथ मिलते हैं हम लोग दोस्तों मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू गाइस।